रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है। यदि टैक्स पेयर का टीडीएस काटा गया है और उसे जमा नहीं किया जाता है, क्या टैक्स पेयर से यानी कि एसएससी से इसकी रिकवरी की जा सकती है? केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। एसएससी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड नोटिस दिया गया कि उसे अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्लियर करना है। एसएससी के द्वारा कहा गया कि उसका टीडीएस काटा गया है जो कि डिडक्टर ने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है। इसलिए पटिशनर का कहना था कि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस की रिकवरी डिडक्टर से करनी चाहिए, इस प्रकार उससे यानी कि एसएससी से टैक्स रिकवरी नहीं की जा सकती। इसलिए टैक्स पेयर के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पटिशन डाली गई। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिकवरी डिडक्टर से ही करनी होगी। इस केस में पटिशनर से टैक्स की रिकवरी नहीं की जा सकती, क्योंकि पटिशनर का यानी कि टैक्स पेयर का पहले ही टीडीएस कट चुका है, इसलिए अब उसे दोबारा टैक्स पे करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिडक्टर से ही रिकवरी करनी है, क्योंकि वही इस केस में एसएससी डिफॉल्ट माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि डिडक्टर जब टीडीएस डिपॉजिट नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को डिमांड नोटिस निकाल देता है। तो आप उस केस में इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी ए सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।